नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बुलेटिन की शुरुआत नोएडा से बड़ी खबर के साथ। कैलाश अस्पताल में 3 से 4 घंटे की ही मात्र ऑक्सीजन बची हुई है। नोएडा में कोरोना संक्रमण से हालात बेहद खराब। कैलाश के चारों ब्रांच में 450 कोरोना मरीज भर्ती। देश भर में ऑक्सीजन की कमी है, तो वही गौतम बुद्ध नगर के कैलाश अस्पताल की चारों ब्रांचों में ऑक्सीजन की भारी कमी बताई गई है। गौतम बुद्ध नगर की चारों अलग अलग ब्रांच में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन मात्र बची है। कैलाश के चारों अलग अलग अस्पतालों में 450 कोविड मरीज इस समय एडमिट है, और अगर जल्द ही इंतजाम नहीं हुआ तो शायद बेहद भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, लोगों की जान पर बन आएगी। इस समय कह दिया गया है मात्र 3 से 4 घंटे की और ऑक्सीजन बची हुई है। नोएडा में कोरोना संक्रमण से हालात बेहद खराब होते हुए कैलाश अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चार ब्रांचेस है यहाँ आसपास, और इन चारों ही ब्रांचों में मात्र 3 से 4 घंटे की ऑक्सीजन बाकी बची है। 450 कोविड पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं। हमारे पास सिस्टम करीब 450 मरीज हैं जो एडमिट है। हमने अपने आप को स्ट्रेच किया, बेड बढ़ाए, दवाइयाँ मंगाई अपने डॉक्टरों को, हम डबल ड्यूटी करा रहे हैं। पूरी रात से हम लगे हुए हैं आज ऑक्सीजन के पीछे। अब हमारे पास करीब 7-8 घंटे की है, मतलब सुबह 6 बजे से हम सब, सारी मैनेजमेंट, हमारी रिसेप्शन, हमारे मेंटेनेंस टीम फ़ोन पे है। हमारे पूरे ग्रुप हॉस्पिटल्स में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हमने सब जगह एडमिशन भी स्टॉप कर दी है। हम यहाँ पेशेंट ले ही नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे पास है कम से कम उसके लायक तो हमारे पास ऑक्सीजन रहे। हमारे इस नोएडा हॉस्पिटल में मुश्किल से 4-5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम लोग को समझ नहीं आ रही है। इस टाइम हम यही मीटिंग कर रहे थे कि हम करें क्या आगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें, हम रेट भी ज़्यादा देने को तैयार है, हम कुछ भी देने को, ताकि मरीज बच जाए। इस टाइम हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे मरीज की जान। विनायक हमारे साथ, हमारे संवाददाता नोएडा से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विनायक, 450 कोविड पेशेंट्स जो वहाँ एडमिट है नोएडा के कैलाश अस्पताल की अलग अलग ब्रांचों में, उनकी जान इस समय दांव पर लगी हुई है। ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? अस्पताल में अधिकारियों का क्या कहना है, कहां से मंगवाई जा रही है ऑक्सीजन, कब तक आ जाएगी ऑक्सीजन, कहीं ऐसा ना हो ऑक्सीजन की ये चेन टूट जाए, सप्लाई ठप हो जाए? जी, आपको बता दूं कि कैलाश हॉस्पिटल ने अभी बयान थोड़ी देर पहले जारी किया है कि उनके अस्पताल में जितने गौतम बुद्ध नगर के अंदर में जितने भी कैलाश अस्पताल है, 4 ब्रांचेस है, 1-2 ग्रेटर नोएडा में है और 2 गौतम बुद्ध नगर में है, तो चारों ही जगह जो है 3 से 4 घंटे में उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है खत्म हो जाएगी। उन्होंने साफ तरीके से जो है जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमें जल्द से जल्द जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाए, नहीं तो हमारे यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर में इनके चारों अस्पताल में 450 जो है कोविड पेशेंट एडमिट है उनकी जान पे बन आएगी और कहीं ना उनकी हालत जो है बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी, और 450 पेशेंट जो इतने ज्यादा तादाद में हैं उनको जल्द से जल्द इधर से उधर ट्रांसफर भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज को लेकर के जिला प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई है कि हमें जल्द से जल्द जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है कि अभी बहुत टाइम लगेगा उनके पास में ऑक्सीजन पहुंचाने में, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग जगह पे लगातार ऐसी चीज निकल कर के आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है। कल की बात करें तो कल COVID-19 अस्पताल था, वहां पर भी ऑक्सीजन की जो है कमी पाई गई थी, तो वहां पर छोटे सिलेंडर जो थे ऑक्सीजन उससे काम चलाया गया, तो उसके बाद में वहां पर ऑक्सीजन गैस पहुंची हुई थी, उसके बाद में वहां पर रात की सांस लेनी पड़ी मरीजों को। लगातार जो है ऐसे सामने निकल के आ रहे हैं। अब कैलाश अस्पताल में जो चारों अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन की कमी पाई गई है, और 3 से 4 घंटे जो है बचे हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ यहां तो कोऑर्डिनेशन की कमी, कम्युनिकेशन की कमी भी दिखाई दे रही है। 3 से 4 घंटे की, या ज्यादा से ज्यादा अगर इनकी बात मान ली जाए 7 से 8 घंटे की अगर ऑक्सीजन बची हुई है, तो क्या इतने समय पहले बताएंगे, इतने शॉर्ट पीरियड में बताएंगे? उससे पहले ही इंतजाम हो जाने चाहिए ना। ऐसे में कम से कम 2-4 दिन पहले तो इस बारे में इत्तला कर देनी चाहिए, इस बारे में इंतजाम शुरू कर देने चाहिए। जी, सही चीज बता रहे हैं आपकी। लगातार जो है कि लगातार अलग अलग जिलों से भी ऐसी खबरें निकल के 3 से 4 दिन पहले भी निकल के आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी होते जा रही है। पर कैलाश अस्पताल के प्रशासन को भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए था कि उसकी, उनके यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है और कितनी जल्दी मिल सकती है उनको और कब तक मिल सकती है, तो इस चीज को लेकर के उनको प्रशासन को भी बहुत दिन, 1-2 दिन पहले बताना चाहिए था कि उनको जो प्रशासन भी पहुंचा दे। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही कैलाश अस्पतालों की भी है और कहीं ना कहीं यहाँ के जिला प्रशासन भी, अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की और डीएम की, तो वो भी अगर देख रहे हैं कि लगातार जो है अलग अलग कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, जिला प्रशासन की लापरवाही आम जनता क्यों भुगते? मरीज जो वहां पर इस समय एडमिट है, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई अगर ठप हो गई उनकी जान चली जाएगी, वो लोग क्यों भुगते, उनके परिजन क्यों भुगते? चलिए ठीक है विनायक, बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।